घरों में पेंटिंग का काम करने वाले एक युवक को गांजे नशे की लत कुछ इस कदर थी कि आरोपी दिन दहाड़े राहगीरों से उनके मोबाइल छीनकर रफू चक्कर हो जाता था। लेकिन क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 ने मोबाइल की चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। पंजाब के बाद सबसे नशाखोरी करने वाला देश के फहरिस्त में भारत का नाम भी आ रहा है। आज भी विदेशों में भारत के कई राज्यों में शहरों में मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है। गांजा, चरस, मदक, हेरोइन, भांग, शराब आदि से नशे की लत लगे हुए कई युवक युवतियां दिखाई देते हैं। अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए फिर ये नशेड़ी किसी भी हद तक जाकर चोरी, छीना झपटी, मर्डर जैसे कामों को अंजाम देते हैं और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़कर जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन बिताते हैं। जी हां, नागपुर में भी एक ऐसी घटना हुई है। लोगों के घरों में पेंटिंग का काम करने वाले एक युवक को गांजे की लत इस कदर लगी कि उसने बस से उतरते यात्रियों के मोबाइल छीन कर घटनास्थल से रफू चक्कर हो जाता था। फरियादी महिला ने जिसकी शिकायत लकड़गंज थाने में की थी। क्राइम ब्रांच यूनिट क्रमांक 3 के पुलिस निरीक्षक संजय जाधव के मार्गदर्शन में यूनिट 3 के जाबाज पुलिस वालों ने आखिरकार उस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना की जानकारी बीसीएन समक्ष पुलिस निरीक्षक संजय जाधव इन्होंने दी है। बाइट गिरफ्तार किया गया आरोपी आज न कल तो छूट जाएगा, लेकिन उस युवक को गांजे की जो लत लगी है, क्या उससे छुटकारा दिलाने के लिए सरकार या प्रशासन काम करेगा? ये सवाल अब भी बना हुआ है। जब तक सरकार या जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जड़ से यह मादक पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। समय के चलते इस देश के नौजवानों को इससे दूर रखना, तब कहीं जाकर नशे से मुक्ति मिल सकती है। माननीय पुलिस आयुक्त सर, तसेच अपर पुलिस आयुक्त रेड्डी सर, पुलिस उप आयुक्त पंडित साहेब आणि ACP रोशन पंडित साहेब, ह्या सर्वांचं एक आम्हाला निर्देश आहेत की जे कोणी चैन स्नॅचिंग, रॉबरी यासारखे गुन्हे करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा त्यात लिप्त आहेत, अशा लोकांची माहिती काढणे आणि त्यांच्यापर्यंत पोचणे आणि त्यांना पकडणे हे आमचं प्रमुख काम आहे। त्याच दृष्टीने आम्ही सर्व जे गुन्हे घडतात त्या गुन्ह्याची आम्ही आमच्या पद्धतीने प्रत्येकाची नोट्स आमच्याकडे ठेवत असतो आणि त्या आरोपींना पाठपुरावा करत असतो, त्यांचा पाठलाग करत असतो। असाच एक मागील गुन्हा झाला होता लकडगंजमध्ये, त्यामध्ये एका इस्माचा मोबाईल फोन एक ॲक्टिवा गाडीतून येऊन एकाने बळजबरीने चोरून नेला होता, त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल होता। त्याचा फुटेजप्रमाणे आम्ही शोध घेतला, त्या मोबाईलचं आम्ही लोकेशन घेत होतो आणि त्यानंतर आम्हाला मिळून आलं की तो आरोपी हा आम्ही त्याला परवा पकडलेला आहे आणि त्याच्याकडून तो मोबाईल रिक्वायर केलेला आहे आणि गाडीसुद्धा रिक्वायर केलेली आहे। आम्ही लकडगंज पोलीस स्टेशनला तो हँडओव्हर केलेला आहे आणि त्याप्रमाणे ते कारवाई करीत आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज, नागपूर।